दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसका बिजनेस तो आप करेंगे ही, और अगर साथ में अगर आप इसका उपयोग भी करते हैं इस प्रोडक्ट का, तो आपके शरीर की त्वचा चमकने लगेगी और साथ में आपकी बॉडी में जो भी डेड स्किन होगी वो भी धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर निकल जाएगी, और आपको मात्र एक हफ्ते में 100% रिजल्ट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आज हम दोस्तों साबुन बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, जो साबुन या सॉप आप मार्केट से लेकर उपयोग करते हैं उनमें बहुत हानिकारक केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स आपकी त्वचा को ख़राब कर देते हैं। और दोस्तों, आज मार्केट में नेचुरल साबुन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, और अब लोग नेचुरल साबुन लगाना भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मार्केट में ज़्यादा नेचुरल साबुन नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मजबूरन लोगों को केमिकल साबुन का उपयोग करना पड़ता है। तो चलिए, आइए दोस्तों जानते हैं कि आप नेचुरल और ओरिजिनल साबुन कैसे घर में बनाकर खुद भी उपयोग कर सकते हैं, और बहुत ही कम पैसे में आप अपना खुद का ओरिजिनल नेचुरल साबुन का बिजनेस करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसका जब भी बेचें या बिजनेस करें तो इसके ऊपर के बॉक्स बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक और अट्रैक्टिव बनवाएं, जिससे कि लोगों को देखने में लगे कि हाँ यार, इसकी क्वालिटी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर तो अगर क्वालिटी है लेकिन अगर बाहर से दिखने में सुंदर और खूबसूरत नहीं दिखेगा तो लोग उसे नहीं ले पाएंगे, सोच लेंगे कि अरे यार, ये तो बाहर से ही ऐसा दिख रहा है तो अंदर कैसा होगा। इसलिए आप बिजनेस करें तो विशेष ख्याल रखें कि आज का दुनिया है चमकती धमकती वाली, लेकिन सब लोग ओरिजिनल और नेचुरल नेचुरल चीज़ यूज करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में मिल नहीं पाती है। तो इसलिए आप ये बिजनेस करके बहुत बड़े लेवल में काम कर सकते हैं। जब आपका अच्छा बड़ा लेवल में काम हो जाएगा तो फिर आप मशीन के द्वारा भी ये काम को बड़े स्तर में कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी और एक अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से इसकी स्टार्टिंग आपकी होगी। और एक बार जो इस साबुन को यूज करेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ कि 100 बार आपके पास आएगा और डबल रेट दे के ले जाएगा, क्योंकि ये साबुन मैं अपने घर में भी यूज कर चुका हूँ। इतनी ही सॉफ्ट आप लगाएंगे तो पूरी स्किन जो है आपकी वो एकदम कोमल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए ये बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसका जो भी उपयोग करेगा वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो आपके पास 4 बार आएगा उसको उपयोग करने के बाद। लेकिन विशेष ख्याल रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ कि बाहर की पैकिंग का विशेष ख्याल रखिएगा, अच्छी आकर्षक और सुंदर पैकिंग बनाइएगा जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें। आइए चलिए जानते हैं कि कैसे हम साबुन बनाकर और कैसे मार्केट में हम बेच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको साबुन के बिजनेस में रियली सक्सेस होना है और ऊंचे लेवल तक जाना है और लंबा सफर करना है अगर साबुन के बिजनेस में, तो आप विशेष ख्याल रखिएगा 2 चीज़ों का, जिसमें कि पहला है पैकिंग। पैकिंग का विशेष ही ख्याल रखना, जिससे कि क्या है, आपके अंदर सपोज करिए पैकेट के अंदर बहुत अच्छी साबुन है लेकिन अगर पैकेट बाहर से गंदी है तो उसे लोग पसंद नहीं करेंगे, लेंगे नहीं और दुकान में रखी रखी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन अंदर का मटेरियल खराब है तो वो उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक बार तो कोई ले लेगा पैकेट देख के लेकिन दोबारा से फिर नहीं लेगा, क्योंकि बेवकूफ़ किसी को एक ही बार बनाया जा सकता है। और आपको अगर लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें और बड़ी ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी से अगर आप बिजनेस करेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप बिजनेस में सक्सेस ना हो। तो दोस्तों, आपको पैकिंग में विशेष ख्याल रखना है कि अंदर का मटेरियल तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन बाहर की पैकिंग जितनी आकर्षक और चमकदार होगी लोग उतना ही पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी जो साबुन रहेगी उसमें क्वालिटी तो रहेगी, क्योंकि हम आपको आज नीम की साबुन की बात करने जा रहे हैं। और नीम की साबुन शरीर के लिए, स्किन के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है, और नीम के साबुन की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जो कि जैसे हमारे फेस पे पिंपल आ गए या झुर्रियाँ आ गई या कोई भी दिक्कत है अगर, तो उसमें भी आपको जैसे पसीना आ रहा है सपोज करिए आपके पूरे शरीर में, या कि पसीने से बदबू आ रही है, तो अगर नीम की साबुन लगाएंगे तो आपके शरीर से पसीना नहीं आएगा, और आएगा तो उसमें पसीने में बदबू नहीं आएगी, जिसके कारण लोग नीम की साबुन लेना बहुत पसंद करते हैं। और आजकल नेचुरल साबुन लोग बाग बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन मार्केट में मिल नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमको नीम की साबुन बनाने के लिए मुख्यतः किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने को नीम की साबुन
बनाने के लिए सबसे पहले आपको नीम की पत्ती ले लेना है। नीम की पत्ती आपको फ्री में कहीं भी मिल जाएगी, और नीम की पत्ती तोड़ लाएं और उसके बाद घर में पत्ती पत्ती अलग कर लें, और फिर उससे पत्ती को निकाल कर अच्छे से साफ कर लें। ध्यान रखें अच्छे से साफ करें, जिससे कि उसके अंदर कोई भी कचरा न रह जाए। और उन पत्तियों को मिक्सर में या किसी भी मिक्सी में पत्तियों को अच्छे से महीन पीस लें, एकदम बढ़िया से महीन पीस लें। और उसके बाद आप सौंफ बेस ले लें और सौंफ बेस को गर्म कर लें, और उसके बाद लेकिन सिर्फ इतना ही गर्म करना है जितने में सौंफ बेस माल्ट हो जाए। और उसके बाद नीम जिसको आपने पीस कर रखा हुआ है उसको उस सौंफ बेस में नीम को आप मिला दें, और उसके बाद साबुन को और भी अच्छा से और बेहतर बनाना है। अगर आपको साबुन और भी अच्छी और बेहतर बनाना है तो उसके लिए आप इसके साथ या तो ग्रीसलीन डाल लें या कि एलोवेरा डाल दें, लेकिन ग्रीसलीन जरूर डालें इसके साथ। सॉफ्ट बेस और आपका नीम के साथ ग्रीसलीन जरूर डालें, क्योंकि ग्रीसलीन चिकनाई देती है और ग्रीसलीन के भी बहुत सारे स्किन के लिए फायदे हैं। तो या तो अगर आपके पास ग्रीसलीन नहीं अवेलेबल है तो एलोवेरा डाल दें, या अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी मिला देंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया कि नीम की पत्ती को अच्छे से पीस लें और साफ कर लें, और उसके बाद नीम की पत्ती को लिक्विड बना लें, उसके बाद सॉफ्ट बेस लेके और उसको गर्म करके उसको माल्ट कर लें, और सॉफ्ट बेस और नीम को मिला दें। जो भी सॉफ्ट बेस आप गर्म किए होंगे उसमें नीम डाल के मिला दें। उसके बाद ग्रीसलीन अगर आप मिलाना चाहें थोड़ा सा ग्रीसलीन, या कि एलोवेरा मिलाना चाहें थोड़ा सा एलोवेरा, या दोनों मिलाना चाहें तो थोड़ा भी मिला सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा भी अपनी बॉडी के लिए अमृत के समान है स्किन के लिए। तो एलोवेरा मिला लें, और जो भी सेंट आपको पसंद हो, ये सभी आइटम कहाँ मिलेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ये सभी आइटम इंडिया मार्ट की वेबसाइट में मिल जाएंगे सस्ते दामों पर। थोड़ा सा सेंट ले लें जो भी आपको पसंद हो, और उन सभी को अच्छे से मिला लें, और फिर उस लिक्विड को सिलिकॉन मोल्ड में डाल लें। सिलिकॉन मोल्ड साबुन बनाने का सांचा होता है या डाई होती है, सिलिकॉन का होता है, इसलिए वो बहुत चिकना होता है और छोटा सा होता है, और उससे साबुन अच्छे से बहुत जल्दी से निकल आती है। सिलिकॉन मोल्ड भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे इंडिया मार्ट की वेबसाइट में। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए नहीं करना चाहते हैं और आप अपने घर के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्लास्टिक की कटोरी या प्लास्टिक का कोई भी छोटा जिस आकार में आप पसंद करना चाहते हैं, या कटोरी में थोड़ा सा चिकनाई लगा के और इसी को डाल लें। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, मैं आज बिजनेस के लिए आपको बता रहा हूँ, तो सिलिकॉन मोल्ड खरीद लें। सिलिकॉन मोल्ड जैसी डिजाइन आपको पसंद है वैसी डिजाइन के छोटे छोटे आप मंगवा लें मोल्ड। वहाँ पे इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जब आप डालेंगे सिलिकॉन मोल्ड तो उसमें बहुत सारी वेरायटी आ जाएगी और बहुत सारी डिजाइन आ जाएगी, तो आप उसको देख लें और जो भी डिजाइन आपको पसंद है वो दो चार पांच डिजाइन मंगवा लें, जिससे कि आप चार पांच डिजाइन के साबुन तैयार कर सकें। और फिर वो उस लिक्विड को सिलिकॉन मोल्ड में डालकर लगभग आधे घंटे के लिए रख दें, और आधे घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा, जम जाएगा, उसके बाद निकाल के आप यूज कर सकते हैं, या कि आप उस पन्नी में और उस पैकेट में जो भी आपकी पैकिंग मटेरियल है उसमें आप इसको पैक करके और मार्केट में बेच सकते हैं और खुद ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको और जल्दी है रूम के टेम्परेचर में नहीं सुखाना, तो आप फिर 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख देंगे तो वो भी साबुन एकदम कंप्लीट बन जाएगी, और उसके बाद उस साबुन को बाहर निकाल के और फिर देखिए कि कितनी खूबसूरत साबुन है, और आप खुद एक बार यूज करिएगा। इतने ज़्यादा इसके फायदे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आपको बता भी देता। लेकिन आज मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके बाद निकालने के बाद साबुन मोल्ड से, और जो बॉक्स में देना चाहते हैं, पन्नी में देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं पैकिंग मटेरियल के लिए, तो आप उस पैकिंग मटेरियल में इसे डालकर और मार्केट में बड़े आराम से बेच सकते हैं। और रेट आप खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी नेचुरल साबुन मिल रही है 60 रुपया 70 रुपया में, लेकिन ये आपकी साबुन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 रुपये में कंप्लीट हो जाएगी, 3 रुपये में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 20 रुपये भी MRP रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि साबुन में ज़्यादा किराना वालों को भी नहीं मिलता है। लेकिन आप होलसेल अपने बनाएं और होलसेलर को दें, क्योंकि रिटेल में देंगे तो बहुत जगह आपको जाना पड़ेगा। तो और आप अगर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं, घर में बैठे अगर बेचना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छा ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 3 वेबसाइट है, इसमें आप बहुत ज़्यादा सेल होती है। अगर आप एक बार ऑनलाइन में
काम करने लगेंगे तो ऑफलाइन का काम आप बंद ही कर देंगे, क्योंकि ऑफलाइन में अगर मान लीजिए आप हर्बल नीम सॉप अगर उसका रेट 100 रुपये भी डालेंगे तो वहाँ से बहुत जल्दी ऑर्डर आते हैं और बहुत बल्क में ऑर्डर आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन से इतने ज़्यादा आपको ऑर्डर मिल जाएंगे कि आप वहाँ ही पूरा कर ही नहीं पाएंगे, उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाएंगे चाहे आप जितना बड़ा सेटअप डाल लें। क्योंकि आप जाएंगे जब तो उसकी तीन वेबसाइट के पहले नाम जान लीजिए, पहला है अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट और तीसरा है स्नैपडील। और भी बहुत सारे किराना वाले ऐप्स आते हैं, जो ग्रोसरी ऐप्स आते हैं, उनमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सभी साइटों में। और ये जो तीन वेबसाइट का मैं नाम बताऊँ, ये वर्ल्ड वाइड काम करती है, मतलब पूरे विश्व में काम करती है, ना कि सिर्फ भारत में। तो अगर आप इनमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो विदेशों से भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ सकते हैं। दोस्तों नीम की साबुन, ओरिजिनल नीम की साबुन जो मैं आपको अभी बताया हूँ, ये अमेरिका में इसकी प्राइस है 200 से 300 रुपया के करीब, 500, 700, 1000 तक नीम की साबुन वहाँ बिकती है। तो अगर आप ऑनलाइन बेचेंगे तो आपको दूसरे देशों से भी अच्छा ऑर्डर आ सकता है और उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए आपको ऑनलाइन से ऑर्डर आता है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से, तो कंपनी के बंदे आएंगे और आपके घर से माल उठा के ले जाएंगे और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। या कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो वो पहले ले जाएंगे बाद में पैसा डालेंगे, या अगर आप कैश में करते हैं तुरंत की पहले कैश आप पेमेंट करो उसके बाद सामान ले जाओ, तो आपके पास पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसके बाद अमेजोन वगैरह कंपनी के इसके एजेंट आएंगे, इसके मेंबर आएंगे और वो आपके यहाँ से सामान ले जाएंगे और उसके पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दो तरीके होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या दोनों तरीके भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं तो घर में बैठकर, और ये काम दोस्तों सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसके लिए आपको कहीं भी ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, किराए का मकान लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको घर के एक कमरे से बड़े शानदार तरीके से इसको काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूं अपने चैनल पे तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।